हेलो फ्रेंड्स, तो मैं घर का सारा काम निपटा के खाना ना बना के खा के बैठ गई हूँ आपसे 2 मिनट के लिए बात करने के लिए। कल भी हम लोगों का दिन बहुत ही बिजी रहा, थकान सी रही, पर हाथ दर्द हो रहे अभी भी, मगर क्या है, करना तो है ही है। तो ये देखिए, मैंने नोज पिन अपनी चेंज कर दी है और ये भी बहुत पुरानी है मेरी शादी की। आप बोल रहे होगे सब चीज़ पुरानी पुरानी दिखाया करती, मैं क्या करूँ, मेरे हस्बैंड ना कोई चीज़ चेंज नहीं करने देते जब तक वो टूट ना जाए, फूट ना जाए, कुछ भी नहीं चेंज करने देते। तो मैं वो कील पहने हुई थी कुछ दिनों से, तो डेली मुझे टोकते रहते हैं कि इसे फेंक दो, चेंज कर दो। उनको ना मेरे ऊपर ऐसी नोज पिन अच्छी लगती है, कील वील मुझे नहीं अच्छी लगती उनको। तो बस, तो मैंने कहा चलिए अच्छा इसको चेंज कर दे, तो कई बार वो कह चुके हैं ना, वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हैं, मेरा नेचर उनका नेचर थोड़ा अलग रहता है। तो अभी बच्चों की बुआ आ रही हैं, लगभग 1:45 बजे तक आएंगी, तो उनसे हम मिलाएंगे आप सबको। तो मिलिएगा, वेट करिएगा। वैसे तो मेरे बच्चों की 3-3 बुआ हैं, तो फर्स्ट बुआ आ रही हैं, सेकंड बुआ के वहाँ हम लोग जाएंगे रात में, उनके वहाँ शादी है, और तीसरी बुआ हमारी यहीं रहती हैं हमारे थोड़ी दूर पर, तो वो भी आएंगी दोपहर में। तो आप सब कौन से हैं? आज मैं मीठी की फ्रेंड्स के बारे में बोलूँगी। मीठी की कई फ्रेंड्स हैं, पर एक श्रेसी करके हैं, उन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है और डेली कमेंट भी करती हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे। तो उनके भी चैनल का नाम है दिशा फन लाइफ स्टाइल, और वो डेली कमेंट करती हैं। तो आज मैंने सोच के रखा था आज मैं उनके बारे में ज़रूर बोलूँगी, अपनी फ्रेंड और सबके बारे में बताया, उनके बोले नहीं बोला। तो वो बहुत ही अच्छा है, उनका बहुत ही अच्छा उनका भी काम है, वो सारी वीडियो में इंग्लिश बोलती है, मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं है, तो कोशिश करती हूँ, देख लेती हूँ थोड़ा बहुत। मगर आज के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और उनके थंबनेल्स लेकर हर एक चीज़ बहुत ही अच्छी है। तो उनके लिए बहुत ही थैंक यू, श्रेसी, दिशा, जो भी नाम हो, उनको बड़ा वाला थैंक यू। मिठी, अपनी फ्रेंड को हाय बोल दो। आज हम दाल फ्राई बनाने जा रहे हैं, तो ये देखिए मैंने थोड़े से प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और ये धनिया सबको मैंने अच्छे से बारीक काट लिया है, और ये मैंने दाल पक चुकी है, ये देखिए। तो चलिए इसको हम फ्राई तड़का लगाते हैं। हमने ऑयल को गरम कर लिया था, तो इसमें हम जीरा और ये सरसों दालें डाल लें, थोड़ी सी हींग डालेंगे, दो तेज़पत्ते के पत्ते, सूखा लाल मिर्च, हरी लहसुन डालेंगे, अदरक ग्रेट कर रहे हैं यहाँ पर हम, अच्छे से भून लेंगे हल्का सा। तो अब ये प्याज डालेंगे इसमें, तो
थोड़ा पिंक कलर आने तक भूनेंगे। इसी के साथ में हरी मिर्च डाल देंगे। फ्लेम हम थोड़ा हाई रखेंगे मीडियम। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। अब ये हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। इसी में हम थोड़ा सा अपने ये सब्जी मसाला ऐड कर देंगे पिसा हुआ। थोड़ा सा किंग मसाला ऐड करेंगे जिससे सब्जी को दाल का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो थोड़ा सा हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर में पानी रहता है तो मसाला में पानी ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी तरह हम अब इसको हम ढक के पका लेंगे। थोड़ी देर मसाला हमारा अच्छा सा पक जाए। ठीक है, देखिए हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। इस तरह से मैश कर लेंगे हम। तो ये हम अपने लिए दाल ऐड करेंगे। अब इसको हम 1 से 2 मिनट में पकाएंगे थोड़ा सा। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। मिला देंगे। ये अपनी कसूरी मेथी डालेंगे थोड़ी सी, इससे दाल का स्वाद और भी अच्छा आएगा। तो इस तरह हम थोड़ी देर इसको ढक के बॉयल होने तक पकाएंगे। चलिए दिखा देते हैं अपनी दाल। तो ये देखिए हमारी दाल बनकर तैयार है। तो ये देखिए हमारे बाल स्ट्रेट हो चुके हैं जो कि मोहिनी ने किए हैं। तो उसने मेरे बालों को स्ट्रेट किया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने मोहिनी के बाल स्ट्रेट कर रही हूँ, उसने मेरे किए और मैं उसके कर रही हूँ। और ये मैं पहली बार कर रही हूँ, इससे पहले मैंने स्ट्रेट नहीं किया है क्योंकि मेरे पास ये स्ट्रेट मशीन है ही नहीं है। तो ये इनकी बुआ लाई थी दिल्ली वाली, तो उसी से हम लोग एक दूसरे के स्ट्रेट कर रहे हैं। और उसने मेरे बालों को कहा कि मतलब कि मेरे को कहा कि बाल अच्छे किए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगे कि चलो कुछ तो काम किया मैंने अच्छा। तो यहाँ पर अफरा तफरी मची हुई है क्योंकि सब आपस में तैयार हो रहे हैं, किसी को क्या चाहिए, किसी को चाय चाहिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा तैयार हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा मेकअप नहीं करना होता, तो मैंने थोड़ा बहुत सूट करने लगी। तो ये सब तैयार हो रहे हैं और क्योंकि हमें जल्दी ही निकलना है क्योंकि 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा रास्ते में, तो हम लोग जल्दी तैयारी करने लगे थे। तो यहाँ पे देखो मोहिनी पिन लगा रही है, कोई क्या कर रहा है। तो इसी तरह
पूरा घर अस्त व्यस्त हो चुका है, सारा सामान फैला हुआ है। तो ये देखिए हम लोग यहाँ आ चुके हैं गाँव। तो मैं छत पर से थोड़ा बहुत आपको सेट करके दिखा दे रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ का माहौल थोड़ा अलग होता है, तो नहीं करते हैं।